जोहार नई दिशा में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ आपके साथ निधि कुमारी हम जब भी ऐसी महिलाओं से मिलते हैं जो नई नई माँ बनी हो तो अगर हम उस वार्तालाप को याद करने की कोशिश करें तो अक्सर हम उनसे ये पूछते हैं कि अच्छा आपका बच्चा कैसा है कॉन्ग्रेचुलेशन आप तो बहुत अच्छा फ़ील कर रही होंगी आपके इन लॉज़ काफ़ी खुश होंगे कि घर में वारिस हुआ है आपकी माँ काफ़ी खुश होंगी फाइनली वो ग्रांड मदर बन गई हैं हमारे पास बहुत सारी एडवाइस होती हैं कि अच्छा बच्चे के साथ आप ऐसा कर सकती हैं ये मत पहनाइएगा ये मत खिलाइएगा पर याद करने की कोशिश करिए कि हम कितनी बार उस माँ से ये पूछते हैं कि अच्छा आप कैसी हैं ये जो नौ महीने का प्रेगनेंसी का पीरियड रहा उसके बाद आपने डिलीवरी दी आ, ये जो एक डिफ़िकल्ट आपके लिए टाइम पीरियड रहा इसके बाद आप कैसा रिकवर कर रही हैं आपकी मेंटल हेल्थ कैसी है हमारे देश में अक्सर डिलीवरी के बाद जो एक साल का वक्त होता है उसमें महिलाओं में डेथ की सबसे बड़ी कारण मेंटल इलनेस है लगभग सात में से एक महिला ऐसी होती हैं जो कि पोस्ट डिप्रेशन से स्ट्रगल कर रही होती है आज हम अपने इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे पीपीडी के बारे में पोस्टमार्टम डिप्रेशन के बारे में और उसके साथ ही जैसा कि हम हमेशा आपके अपने कार्यक्रम में आपसे कहते हैं कि अगर समस्याएँ हैं तो उसके साथ ही हमारे समाज में ऐसे लोग भी हैं जो इसके निदान के लिए काम कर रहे हैं हम आपको एक ऐसी ही खास मेहमान से आज मिलवाने वाले हैं जो बीते कुछ वर्षों से पीपीटी को लेकर लोगों में अवेयरनेस क्रिएट कर रही हैं वो खुद एक पीपीटी सर्वाइवर रह चुकी हैं वो एक सहेली जो उनकी जर्नी में मिसिंग थी आज वो हज़ारों औरतों के लिए वो सहेली बनकर खड़ी हैं हम अपने स्टूडियो में स्वागत करना चाहेंगे कॉन्टेंट क्रिएटर श्रेया मित्रा का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आगे। आगे। और वाकई मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब पी के बारे में मैं खुद पढ़ रही थी और सबसे पहले मेरे दिमाग में ये चीज़ आई कि मेरे बहुत सारे नीस और नीसेज हैं कि कितनी बार मैंने अपनी भाभी से पूछा या मेरी जो कजन्स रही हैं मैंने उनसे उनकी मेंटल हेल्थ के बारे में कितनी बार पूछा और हमें पता चलता है कि कितनी ज़्यादा हम अनअवेयर हैं सीरियस टॉपिक को लेकर कितनी कम कॉन्वर्सेशन होती है सबसे पहले हम चाहेंगे क्योंकि आप खुद आपका स्ट्रगल रहा है पी से हमारे दर्शकों को आप बताएँ कि ये ये टर्म है क्या और और वो जो महिलाएं से स्ट्रगल करती हैं क्या कुछ चैलेंजेस होता है उनके लिए एक्चुअली पीपीडी का है पोस्ट uh, डिप्रेशन ये यूजुअली डिप्रेशन एक्चुअली प्रेगनेंसी में भी हो सकता है बट पोस्ट डिप्रेशन होता है आपके डिलीवरी के बाद डिलीवरी uh, के बाद अब दो से चार वीक तक बेबी ब्लूज एक टर्म होता है जिसमें uh, क्योंकि हार्मोनल चेंजेस काफ़ी होती है बॉडी में तो रोना uh, बहुत दुखी होना आ, बच्चे के साथ थोड़ा बॉन्डिंग इमीडिएट नहीं होना ये सब सारे सिम्टम्स होते हैं बट ये अपने आप ठीक हो जाते हैं लेकिन पोस्टमार्टम डिप्रेशन वो टाइम पीरियड के बाद का मेंटल हेल्थ डिटोरिएटिंग मेंटल हेल्थ का सिम्टम्स होता है आ, तो उसमें उसको पीपीडी कहते हैं और वो काफ़ी मतलब एक नई माँ की खुशी को छीन लेने वाली दवाई डिजीज़ है इन शॉर्ट इसलिए भी क्योंकि आप जैसे कहें कि माँ से कौन पूछता है आप कैसी हैं प्रेगनेंसी का जो नौ महीना होता है वो सिर्फ़ एक माँ पे फोकस होता है बट जहाँ बच्चों का आता है माँ का चेकअप भी बंद हो जाता है हमें सिर्फ एक चेकअप मिलती है सो um, so, फोकस तुरंत पूरा बच्चा पे हो जाता है बट एक बच्चा के साथ एक माँ का भी जन्म होता है क्योंकि आपकी बॉडी पूरी चेंज हो जाती है प्रेगनेंसी से ब्रेन में न्यूरोकेमिकल चेंजेस होते हैं तो काफ़ी कुछ बदलता है एंड डिप्रेशन के सिम्टम्स भी अनफॉर्चुनेटली पीपीडी के काफ़ी बिहेवरियल भी होते हैं जैसे बहुत गुस्सा आना पोस्टमार्टम रेज कहते हैं ये टर्म को बहुत कॉमन है और लोग बोलते हैं कि ये बदल गई है या एक बहुत हम पहले मैं सुनती थी कि माँ होने के बाद तो पागल हो गई है बट वो पागल टर्म नहीं होता है नहीं। वो ये जो डिप्रेशन है उसके सिम्टम्स इतने बिहेवरियल होते हैं जैसे गुस्सा रोना पैनिक अटैक्स एंगजाइटी अटैक्स नींद नहीं होना भूख नहीं लगना या बहुत ज़्यादा भूख लगना मैंने जैसे आई लॉस्ट एलेवन के जीज ग्यारह के खोया था मैंने एक महीने एक साल में क्योंकि आ, इच्छा ही नहीं होती थी तो वो बहुत कैमोफ्लाजिंग सिम्टम्स होते हैं जिसमें एक नई माँ को समझना भी बहुत मुश्किल होता है कि क्या ये नया बच्चा का क्योंकि रूटीन चेंज होता है और अगर आप कंटिन्यूसली सोते भी नहीं हैं तो किसी के भी मेंटल हेल्थ डिटोरिएट करेगी तो वो समझना बहुत मुश्किल होता है और हमारे लिए अनफॉर्चुनेटली कोई मेंटल हेल्थ स्क्रीनिंग तो है नहीं अभी तक नहीं। तो बहुत कम लोग हैं जो वो चीज़ को समझ पाते कि अच्छा ये मेरी मेंटल हेल्थ के इशू है एंड मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए मेरे लिए सबसे बड़ा सिम्टम था कि मैं अपने बच्चे के साथ बॉन्ड नहीं कर पाती थी नहीं। आ, मैं अपने हस्बैंड को बहुत पूछती थी कि क्या आपको वो जैसे टीवी में दिखाता है जैसे लोग बोलते हैं कि बच्चा है पूरा ज़िंदगी बन गया कि आपको वो प्यार आ रहा है क्योंकि मुझे वैसा नहीं आ रहा है और मुझे उसको लेकर बहुत गिल्ट होता था क्योंकि वो एक होता है ना एक नई माँ को सिर्फ खुश होना चाहिए नहीं। 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 मतलब खुशी के अलावा कोई भी इमोशन अच्छी माँ नहीं है वो फैक्टर मुझे बहुत अंदर से खा रहा था एंड मेरे हस्बैंड मुझे यही बोलते थे कि नया है वक्त लगेगा वक्त लगेगा बट मुझे वो नई मतलब मैं उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी कि मैं ऐसी माँ कैसे बन गई एंड और एक होता था कि सुबह उठ के हर दिन वो दिन को पूरा खींचना मेरे लिए बहुत बड़ा स्ट्रगल था मतलब आठ महीने तक मैं सिर्फ यही सोचती थी कि अब कल ठीक होगा कल ठीक होगा बट वो इतना बड़ा एक स्ट्रगल था एक नई माँ के लिए क्योंकि जो आइडिया होता है कि सब खुश है तो मैं खुश क्यों नहीं हूँ और मेरे पास इन लॉज की बहुत अच्छी सपोर्ट थी सब कुछ माई मेरे मम्मी पापा सेम शहर में रहते थे बट इसके बावजूद भी मुझे हो रहा था तो वो काफ़ी बहुत ही स्ट्रगल वाली जर्नी थी और बहुत अकेला वाला जर्नी था कि किसी को बोल नहीं पा रही थी मैं क्या हो रहा था जैसा कि आपने कहा कि कोई गिल्ट फैक्टर हो जाता है कि सब इतने खुश हैं मैं माँ होकर वो फील क्यों नहीं कर Correct. पा रही हूँ उसके बाद फिर आपकी जर्नी स्टार्ट हुई जिसमें आपने रेजिंग शान शुरू किया अपना शुरू किया वो कैसे शुरू हुआ देखिए एक्चुअली uh, मेरा प्रेगनेंसी uh, में मुझे कोई ऐसे फिजिकल एलमेंट्स या कुछ नहीं थे बट काफ़ी मेंटल स्ट्रगल थी क्योंकि मम्मी का कैंसर उस समय डायग्नोस हुआ था मेरे बच्चे को क्लब फुट था जो मुझे अनॉमली में पता चला था तो काफ़ी कुछ और भी हो रहा था हेल्थ वाइज़ फैमिली में तो फिज़िकली भले ही मैं नहीं थी मेंटली काफ़ी वो स्ट्रेसफुल था तो मेरा डिलीवरी के बाद मुझे इमीजिएटली एक ब्रेन हेमरेज हुआ था तो उसी के बाद मैंने नोटिस किया था कि क्योंकि मेरे को आठ आठ दिन का बच्चा को छोड़ के चेन्नई जाना पड़ा था ट्रीटमेंट के लिए आ, उसके बाद से मेरा मेंटल हेल्थ और आप बोल सकते डिटोरिएट किया था क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग अचानक से बंद कर देना पड़ा था और मुझे लगता था वही सिर्फ मेरा एक इकलौता कनेक्शन था तो काफ़ी अंदर ही अंदर काफ़ी कुछ चल रहा था एंड वो आठ महीना जो सब कुछ मेरे अंदर था जब मैं फाइनली डॉक्टर के पास गई और मुझे डायग्नोसिस मिला मैंने अपने प्राइवेट अकाउंट जो श्रेया अंडस्कोर जे है उसमें मैंने एक लिखा था एक बहुत हंसी खुशी वाली फ़ोटो थी मेरे मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे की और उसमें कैप्शन मैंने लिखा था कि पोस्टमार्टम डिप्रेशन लुक्स लाइक दिस mm -hmm. तो मेरे जो साइकोलॉजिस्ट फ्रेंड्स थे और सारे थे वो लोग काफ़ी शॉक थे कि इसका तो फ़ोटोज़ देख के सब खुश लगता था ऐसा कैसे हो रहा है उसके साथ तो उनके जो कॉमेंट्स है फिर मैं धीरे धीरे ओपन अप करने लगी क्योंकि धीरे धीरे ना जब वो सिचुएशन से वो मेंटल स्टेट से निकलने लगी और धीरे धीरे समझने लगी कि बहुत जन को आसपास हो रहा है मेरे को सिर्फ एक ही लगता था कि कैसे लोगों को ये ना हो हाउ हाउ डू आई एडुकेट अदर्स ये चीज़ मेरे अंदर तब थी और जस्ट इंस्टाग्राम उस समय मतलब ये ब्लॉगिंग शब्द भी अब मुझे उस समय नहीं पता था मैंने बस एक पब्लिक अकाउंट खोला था और मैं अपना जर्नी पे लिखना शुरू की थी ये ब्रेन हैमरेज के सिम्टम्स क्लब फुट की यू नो क्लब फुट होने से ये ट्रीटेबल अबॉर्शन की जरूरत नहीं है पोस्टमार्टम डिप्रेशन हेल्प लो आप साइकाइट्रिस्ट आप के पास जाए इसमें मतलब शर्माने वाली कोई बात नहीं है ये सब से फिर शुरू हुआ 2000 करीबन 18 में एंड uh, बस वही वही तब भी वही था दिमाग में आज भी वही है कि कोई एक और माँ को प्रोटेक्ट कर पाओ कि जो मेरे साथ हुआ किसी और के साथ ना हो तो अभी तो uh, काफ़ी मतलब एक स्ट्रॉन्ग कम्यूनिटी हुआ है एंड <laughs> uh, वैसे ही शुरू हुई थी मेरी रेल और जैसे आपने कहा कि 2018 में फिर आपने शुरू किया और अभी तो खैर जैसा हज़ारों महिलाएं हैं जो आपके साथ जुड़ी हुई है और मैं बाकी जानना चाहूँगी कि जब आपने इसके बारे में बोलना स्टार्ट किया तो किस तरीके से महिलाएं जो हैं वो सामने आके क्या कुछ स्टोरीज आपने देखी क्या एक्सपीरियंसेस उनकी रही एक्सपीरियंस तो मैं बोलूँगी बहुत हीलिंग थी कि जब uh -huh. लोगों मेरा सबसे बड़ा विन बोले म, म, मुझे मेरे लिए लगता है कि जो फैमिलीज विश्वास नहीं करती थी या काफ़ी हस्बैंड से जो अपने वाइफ्स को ले नहीं जाती थी, थी डॉक्टर के पास क्योंकि उनको लगता था ये सिर्फ बहाना है वो मेरे ब्लॉग के पोस्ट्स के थ्रू मेरे एक्सपीरियंस के थ्रू उनको ट्रीटमेंट ले गए उनका वो वो जो मेंटल थॉट चेंज हुआ कि नहीं ये आ, भले ही इन्विजिबल है दिखती दे, नहीं है ये बीमारी लेकिन असलियत में होती है वो जो विश्वास वो जो एक टर्निंग पॉइंट बहुत फैमिलीज़ में आई है वो मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी विन है और आ, Uh, जैसे कि आपने कहा कि हाँ एक कम्युनिटी तो हुई जब मैंने इनिशियली शुरू किया था मैंने काफ़ी माँओं से उनकी जर्नी इनिशियली uh, तो पांच जनों को बस कहा था कि अपना स्टोरी शेयर करो ताकि एक क्या होता है ना सपोर्ट बहुत मैटर करता है तो आप दस लोग एक ही चीज़ बोलते हैं ना तो आपको लगता है कि मैं अकेली नहीं हूँ तो हिम्मत आती है उस लिए मैंने स्टोरीज़ कलेक्ट uh, करनी शुरू की थी और एक के बाद एक एक के बाद एक तो वैसे करके बहुत स्टोरी शेयर की तो काफ़ी uh, माओ ने ये फीडबैक दिया था कि उन्हें काफ़ी रिलीव्ड लगा है काफ़ी सपोर्टेड uh, लगा है तो अभी तो मैं मेरी एक अपनी सपोर्ट ग्रुप है प्लस हैप्लो केयर के साथ मैं एक और सपोर्ट ग्रुप भी रन करती हूँ तो वो काफ़ी फुलफिलिंग एक्सपीरियंस है कि जो मेरे साथ हुआ था कि मुझे पता नहीं था कि क्या हो रहा है कहाँ जाना है आज आज मैं वो सपोर्ट या वो हेल्प ऑफर कर पाती हूँ बट uh, अगर मुझे स्टोरीज कुछ सेलेक्ट करनी है जो बहुत यादगार है एक है वही जो हस्बैंड मान नहीं रहे थे उनको दिखाने के लिए बट वो लिए एक और थी एक की कि साइकाइट्रिस्ट ने उन्हें एंटी डिप्रेशन दिए थे तो वो डर भी लगता है कि ब्रेस्ट फीड करा रही हूँ क्या मैं एंटी डिप्रेशन खा सकती हूँ तो उन्होंने अपने आप से शुरू किया था अपने आप से बंद किया था तो वो काफ़ी उनका हेल्थ और डिटोरीट कर गया था बट मुझे याद है और कोइंसिडेंटली वो रांची की रहने वाली थी तो उनसे फ़ोन पे बहुत बात करके समझा के वापस साइकाइट्रिस्ट के पास करके अभी आ, उनका आई थिंक लास्ट ईयर उनका मेडिसिन बंद हो गई है एंड वो शी इज़ एब्सोल्युटली फाइन और कई बार जैसा एक कहीं ना कहीं जैसा आपने कहा ना कि जब आपकी जर्नी थी तो आपको वो सपोर्ट कही कहीं ना कहीं मिसिंग था और अगर आपके लिए वो होता तो वो एक जर्नी कहीं ना कहीं शायद सपोर्ट से भी ज़्यादा नॉलेज मिसिंग था वो जो आठ हाँ। आठ महीना मुझे जैसे आ, फैमिली सपोर्ट हर तरीके की थी, थी लेकिन जो अंदर चल रहा था वो कहने के लिए था नहीं क्योंकि एक वो होता भी है ना कि माँ को दुख नहीं हो सकता है ना नहीं माँ तुमको तो ग्रेटफुल होना चाहिए आ, इतना अच्छा बच्चा है सब कुछ अच्छा है वो वो एक चीज़ बहुत अंदर खटकता था कि मैं खुश क्यों नहीं हूँ और मुझे काश कोई कहा होता कि पोस्टमार्टम डिप्रेशन एक टर्म है आप आप स्क्रीन कराइए तो फिर वो आठ आठ महीना जो मैं स्ट्रगल की थी खुद से वो कम होता क्योंकि आज भी मुझे प, अपना पहला साल का बहुत कम मेमोरी है आज जितना भी मतलब आगे बढ़ो या जाओ एक कहीं ना कहीं वो रिग्रेट रहता है कि वो पहला साल मेरा कभी और वापस नहीं आएगा तो यहीं पे इंफॉर्मेशन इज पावर जो है ना वो बहुत मैटर करता है कि आपको अगर पता है कि अच्छा ये सिम्टम्स पी के हो सकते हैं तो आप जा सकते हैं डॉक्टर के पास नहीं। नहीं। तो वो चीज़ मुझे लगता है बहुत जरूरी है बहुत जरूरी और एक जो और काफी खास चीज मैं आपकी व... इसके ब्लॉग के थ्रू ही जा रही थी जिसमें आपने मेंशन किया था कि किस तरीके से जब एक औरत माँ बनती है तो हमें किसी तरीके का कोई लेसन नहीं दिया जाता है कि कैसे एक माँ बनना है क्या कुछ कोई गाइड बुक नहीं होती है कि इस तरीके से आपको करना है ये बिहेव होना चाहिए आपका हाँ मतलब देखिए एक चीज़ तो मैं बहुत जेनवनली बिलीव करती हूँ कि आपको चाइल्ड बर्थ के लिए कोई प्रिपेयर नहीं करा सकता है। मतलब सबकी एक अलग एक्सपीरियंस होती है बट हाँ जैसे एंटी नेटल क्लासेज या प्री क्लासेस जो भी होती है उसमें आपको क्या सिखाता है बच्चा को फीड कैसे करना है फॉर्मूला फीड कैसे करना है टाइपर कैसे चेंज करना है। जो हालांकि काफी जरूरी चीज भी है बट ये मेंटल हेल्थ पार्ट जो ये ये स्फेर से एकदम मिसिंग है ना वो वो बहुत बड़ा रेड फ्लैग है क्योंकि हर माँ का जिंदगी में बहुत बड़ा चेंज आता है और वो कहने के लिए कोई जगह नहीं है तो जब तक वो मेंटल हेल्थ पार्ट कहीं ना ही एक ड्रॉप हो जा हालाँकि एंटीडेटल क्लासेस में हो या जो ई स्क्रीनिंग होती है कि आप जब जा रहे हैं अपना फ़ाइनल चेकअप के लिए डिलीवरी के बाद उसमें वो फॉर्म भरा ले आपसे तो वो डिस्कशन कहीं ना कहीं एक जगह सब शुरू होगा तो आप प्रिपेयर होंगे बट हाँ आपका मैरिटल लाइफ में चेंज होगा आपका बाकी रिलेशनशिप चेंज होगा एक आइडेंटिटी लॉस बहुत फील होता है क्योंकि आप सिर्फ बच्चों को ही देख रहे हैं तो वो कोप करना सीखना पड़ता है और है ऐसा नहीं है कि सबको ही कोई उतना बुरा पोस्टमार्टम एक्सपीरियंस होता है अगर आप इंफॉर्म्ड है अगर आपको पता है कि अच्छा ये चीज़ हो सकती है तो ठीक है मुझे सेल्फ केयर के लिए थोड़ा टाइम लेना होगा थोड़ा अपना हस्बैंड के साथ एक्स्ट्रा टाइम निकालना होगा रूटीन में आना होगा तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपका पोस्टमार्टम एक्सपीरियंस स्पूद होगा बिल्कुल और ये आपको जैसे अगर आप नंबर्स भी देखें पोस्ट पारन डिप्रेशन जो मदर्स होती है वो काफी हाई है और आप बहुत और ये वो है जो कहीं ना कहीं रिपोर्टेड नंबर्स है कितने ऐसे अनरिपोर्टेड क्योंकि मैक्सिमम केसेस अनडायग्नोस्ड है क्योंकि जाएंगे कहाँ और कैसे समझे कि ये बिहेवियर है या डिप्रेशन है तो वो एक चीज है कि आधे से ज्यादा लोग रिपोर्ट ही नहीं बिल्कुल कर और खासकर भारत जैसे देश में जहाँ पे कि एक मेजॉरिटी जो आपका तकबा है जो रूरल एरियाज में रह रहा है जब आप जब अर्बन एरियाज़ में ये इन्फॉर्मेशन आपसी आप तक इतनी लेट से पहुंच रही है तो वो एक बहुत बड़ी कहीं ना कहीं अनफॉर्चुनेट चीज़ है हमारे लिए कि वो रूरल एरियाज़ में महिलाओं के लिए वो अलग स्ट्रगल exactly. होगा एग्जैक्टली उन लोग के लिए तो सर्वाइवल एक बहुत बड़ा स्ट्रगल होता है फिजिकली uh, न्यूट्रिशन hmm. लेना वो एक अलग स्ट्रगल है तो उनका मेंटल हेल्थ तो आई आई डोंट थिंक वो आया भी होगा डिस्कशंस में भाई और इसके एक तो आप आ, पोस्ट डिप्रेशन के बारे में बात करती हैं उसके साथ ही आ, जो आपकी जर्नी रही आपका जो बेटा है शान उसके साथ जो क्योंकि कहीं ना कहीं उसके ग्रोथ के साथ आप भी एज अ मदर ग्रो कर रही हैं डेफिनेटली और उसमें भी आ, आप उसको भी कई बार फीचर करती हैं कि किस तरीके से आपको फ़ीड कैसे करना है बच्चे को कहाँ पर हम कुछ मिस कर जाते हैं वो किस तरीके से उस पर रिस्पॉन्स किस तरीके से रहा जब आपने उसको फ़ीचर करना स्टार्ट किया या कहीं ना कहीं आपने टिप्स देना लोगों को शुरू किया रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा था बेटा लाइक शान का फीचर शुरू हुआ था उसका क्लब फुट जर्नी को लेके जैसे क्लब फुट होते हैं ना हम लोग के पैर ऐसे रहते हैं उसका पैर ऐसा था तो उसका जो जर्नी था कि उसका प्लास्टर्स उसका सर्जरी एक होना फिर उसका एक रॉड वाला शूज ब्रेसिंग पॉन्सेटी शूज़ बोलते हैं उसका जर्नी को लेके मैंने उसको फीचर करना शुरू किया था तो काफ़ी uh, अच्छा था अगेन इन्फॉर्मेटिव था बहुत सारे पेरेंट्स के लिए जो लोग स्ट्रगल कर रहे थे इसमें भी मेरी अपने हम लोग की लाइक like, मेरे हस्बैंड और मेरी एक जर्नी थी कि हमें किसी और को पता नहीं था कि जो ये ये क्लब फुट से गुजरा हो तो वो वही एक ब्लॉक था कि अवेयरनेस क्रिएट करते हैं तो शान का वहाँ से आया था एंड दूसरा का खुशी देख के जैसे लोग खुशी होते हैं कि शान वो प्लास्टर ब्रेस के बाद अभी साइकिल चला रहा स्केट करता है तो रिस्पॉन्स अच्छा था फीडिंग का भी था जो वो एक चलता है कि बच्चे को ज़बरदस्ती खिलाओ तो एक ट्रेडिशनल वीनिंग बेबी लेट वीनिंग शब्द होता है कि जिसमें आप बच्चों का मर्जी से आप ना उसका नाप को आप मानते हैं जैसे ब्रेस्ट फीडिंग जब भी जब होती है जब बच्चा मुंह घुमा लेता आप mm. है फीड करना बंद करते हैं ये सिमिलर प्रोसेस है सॉलिड्स का भी कि जब mm. बच्चा का पेट भर जाता है वो जब आपको इशारा करता है आप वहाँ पे रुक जाना चाहिए लेकिन हम लोग को लगता है नहीं एक कटोरी एक साल का बच्चा को खाना चाहिए तो वो अनलर्न करना mm. वो उसके बारे में बात करती हूँ एंड uh, एक रिस्पेक्टफुल पेरेंटिंग भी एक एक एंगल है जो काफ़ी आई थिंक रिस्पॉन्स अच्छा रहा है जिसमें आप बच्चे को एक रिस्पेक्टफुली बड़ा करे कि बच्चा है तो कुछ भी कह दे मार दे वैसे नहीं लाइक जेंटली रिस्पेक्टफुली आप बच्चे को बड़ा करें तो वो ये तीन ये सब चीज़ें हैं जो मैं अपने ब्लॉग पे बात बिल्कुल और मुझे ऐसा लगता है कि एक जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो इन्फ्लुएंस रहा वो आपकी जर्नी का कि हर वो फीमेल्स जो एक टाइम पे सोच रही थी कि ये सिर्फ मेरे साथ हो रहा है या फिर मैं इतनी बुरी माँ कैसे हो सकती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि प्रेगनेंसी इसके पहले तक सिचुएशन थोड़ी अलग होती है अलग उस टाइम तक आप वेट कर रहे हैं कि अच्छा ठीक है बेबी आने वाला है लेकिन जब अगर आप पी से स्ट्रगल कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो एक वन डिग्री स्विच हो जाता है और आपको समझ नहीं आ रहा कि अब मैं किसी जाकर ये बात बताऊं क्योंकि बाकी तो सब खुश है हाँ, हाँ। <laughs> फिर जब आप स्टोरीज देखती हैं यहाँ पे कि ऐसी और भी आ, मेरे जैसे केसेस हैं ये कॉमन है एक्चुअली महिलाओं के लिए ये स्ट्रगल करना तो वो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जब आपकी जर्नी में कोई साथ भी रहता है ना हाँ। तो वो भी बहुत हेल्पफुल हो जाता है सपोर्ट बहुत बहुत अहम चीज़ है पोस्टमार्टम मॉम्स के लिए चाहे वो डिप्रेशन में हो या ना हो पोस्टमार्टम पीरियड काफ़ी मुश्किल होता है हर औरत के लिए uh, जिनके लिए पोस्टमार्टम uh, डिप्रेशन या पोस्टमार्टम एंजाइटी या पोस्टमार्टम साइकोसिस हो उनके लिए अलग और ज़्यादा मुश्किल है तो हर एक केस में सपोर्ट बहुत बहुत मैटर करता है कि कोई यहाँ पे uh, बोले कि ठीक हो जाएगा या मेरे साथ भी हुआ है वो फैक्टर बहुत है एक नॉन जजमेंटल स्पेस जो है वो बहुत जरूरी है क्योंकि एक नई माँ को एडवाइस देने के लिए पूरा दुनिया रहता है बट सुनने के लिए कोई नहीं होता है तो वो चीज़ बहुत आ, मैटर करता है पोस्ट सोसाइटी हमें सेंसिटिव होने की बहुत जरूरत है बिल्कुल हाँ जी एज अ सोसाइटी काफ़ी चेंजेस होने की जरूरत है ये जो तुरंत आके कुछ कुछ चेंज मतलब टिपिकल कमेंट्स होते हैं बच्चा का स्किन कलर पे बच्चा का वेट पे प्रेगनेंसी में आप वेट क्यों नहीं गेन कर रहे और जहाँ डिलीवरी हुआ आप इतने मोटे क्यों हैं ये सब चीज़ें को अवॉइड करना चाहिए बिकॉज वो एनी एंड अनफॉर्चुनेट बात ये है कि औरतें ही औरत को ऐसे बोलती है बहुत कम ये कॉमेंट्स मर्द से आते हैं तो ये थोड़ा थोड़ा चेंजेस होना ज़रूरी है अपने आप में लाना चाहिए कि अब आप किसी और माँ से मिलें तो ये चीज़ ना पूछें मैं आपको हेल्प कैसे कर सकती हूँ वो पूछे क्योंकि उनका बच्चा पे कमेंट करके या उनका वेट पे कमेंट करके कोई कंस्ट्रक्टिव कम्युनिकेशन तो हो नहीं रहा है तो बिल्कुल बिल। इसके साथ ही आपने आ, इन सारे टॉपिक्स के अलावा प्री डिसऑर्डर जो है पी एम डी डी पर भी आपने कॉन्वर्सेशन शुरू किया और मुझे ऐसा लगता है कि सबसे जो दुर्भाग्य वाली बात इसमें भी है कि जो महिला पीएमडीडी से स्ट्रगल कर से स्ट्रगल उन्हें खुद भी कई बार पता नहीं, पता नहीं चलता है ये पीएमडीडी एम डी डी एज अ डिसऑर्डर भी लिस्ट हुआ है आई थिंक 2014 या 13 में हालांकि ही इसको एक डिसऑर्डर बोला गया है mm -hmm. क्यों अदरवाइज वो पी एम फॉर्म ऑफ पी बोला जाता था सो पी एम के सिम्टम्स भी काफ़ी एंड ये काफ़ी आई डोंट नो रिसर्च क्या कहती है बट मैं जब से अपना स्टोरीज़ कहना शुरू की काफ़ी माँओं ने रिपोर्ट किया और काफ़ी लोगों ने डायग्नोज भी हुआ है मतलब नंबर्स में बोले तो एटलीस्ट फिफ्टी टू सिक्सटी लास्ट ईयर में मेरे ब्लॉग के थ्रू मुझे पता है कि उन्हें डायग्नोसिस mm -hmm. हुए हैं सो so, uh, वो भी अपना ही एक्सपीरियंस है जैसे मेरे को ये जब एक्सपी शुरू हुए थे मुझे लग रहा था कहीं ना कहीं कि पोस्टमार्टम डिप्रेशन तो वापस नहीं आ रहा है तो mm. डर तो काफ़ी था क्योंकि वो एक एक पार्ट है मेरा लाइफ का जो मैं दोबारा जी नहीं सकती और जीना चाहती भी नहीं हूँ तो जब थोड़े थोड़े सिम्टम्स शुरू हुए थे जैसे यू नो ओव्यूलेशन पेन या शोल्डर पेन मूड स्विंग्स या पूरा चेहरा काला पड़ जाता था बी ड्रॉप कर जाता था मैंस्ट्रल माइग्रेन्स बहुत होते थे तो मैंने मेरी अल्ट्रासाउंड भी हुई थी डॉक्टर्स के पास भी गए थे तो काफ़ी लाइक like, पी एम एस डायग्नोज हुआ था तो उन्होंने सप्लीमेंट्स दिए थे बट डिटोरीट कर रहा था एंड पैल्पिटेशन मुझे बहुत होता था वो चीज़ बहुत ज़्यादा हु, हुआ था एक बार कि मैं जो जो फ़ाइनल अपॉइंटमेंट मैं डॉक्टर के पास फाइनली गई थी कोविड के समय में तो वो 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 यही था कि मेरा बी पी ड्रॉप किया था और मुझे लगता था कि मेरा हार्ट बीट गले में है एंड ये सारे एंजाइटी ये सारे सिम्टम्स होते हैं एक्सट्रीम पीएमडीडी के काफ़ी लोग सुसाइडल भी होते हैं अपेरेंटली पीएमडीडी के तो खैर डॉक्टर के पास जब गई थी तब समझ में आया कि एक बहुत एग्रेसिव फॉर्म ऑफ पीएमएस होता है पीएमडीडी एंड उसकी भी ट्रीटमेंट होती है और बट ये आपको लाइफ स्टाइल वर्क करना होता है बट ये काफ़ी कॉमन कंडीशन है एंड लोगों को वही पता नहीं है लोग सफ़र करते रहते हैं दवाइयाँ खाते रहते हैं कुछ भी का बट uh, असली जो रूट कॉज होता है वो समझने समझते नहीं और अनफॉर्चुनेट बात ये है ये इनविजिबल रिलेशन इनविजिबल इलनेस की जैसे पीएमडीडी डिप्रेशन हालांकि पीएमडीडी में डायग्नोसिस का भी क्राइटेरिया होता है कि आपको कुछ इमोशनल सिम्टम्स मैच करने होते हैं और कुछ फिजिकल एटलीस्ट कुछ फिजिकल रिप्रेजेंटेशन होता है कि ये अपने रिलेशनशिप्स को बहुत अफेक्ट करते हैं तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि जो ना दिखे बट अगर आपको एहसास हो उस पर वर्क करें क्योंकि आपके अगल बगल के लोगों के साथ आपकी रिलेशनशिप बहुत अफेक्ट होती है बिल्कुल और अगर हम वापस से आ, आ, पोस्टमार्टम डिप्रेशन पर ही आना चाहेंगे और जितनी स्टोरीज़ मैंने भी सुनी है ना उसमें एक जो मुझे कॉमन चीज़ नज़र आती है वो किस तरीके से जो महिलाएं इसके बारे में बात करती हैं वो कहती हैं कि आ, उस वक्त फैमिली से सपोर्ट बहुत ज़्यादा था मुझे ठीक है लेकिन मैं समझ नहीं पा रही थी और कई बार आप जब ये स्टोरी सुनती हैं तो आप ये भी सोचती हैं कि अच्छा ये वो महिलाएँ हैं जिन्हें सपोर्ट मिल रही है है ना जिनके पास लोग हैं जिन्हें कह रहे हैं कि अच्छा ठीक है कोई बात नहीं इसमें कोई गलत बात नहीं है शायद कुछ समस्या होगी हम इस पर वर्क करेंगे लेकिन आपके पास एक बहुत ही एक वाइड परसेंटेज ऑफ फ़ीमेल्स हैं जिनको कहीं से हेल्प नहीं मिल नहीं। रही है इनफैक्ट शायद उन्हें उस चीज़ के लिए भी आप थोड़ा डाउन कर रहे हैं कि नहीं आ, ऐसे कैसा सोच रख सकती हैं आप या फिर ये कोई समस्या नहीं है है ना आप समय के साथ आप इसे कोप कर जाएँगे एज अगर हम हेल्थ केयर सिस्टम में भी देखें तो कहीं ना कहीं हम फेल कर जाते हैं क्योंकि हम ये करेक्ट इंफॉर्मेशन उन्हें दे नहीं पा रहे हैं हम उस सेंस में कहाँ लैक कर रहे हैं मोस्टली mm, देखिए मैं जैसे पहले भी कही एक मेंटल uh, हेल्थ की अगर बात करें ईपीडीएस mm स्क्रीनिंग -hmm. होना mm -hmm. बहुत जरूरी है mm -hmm. क्योंकि वो एक सिंपल क्वेश्चन होता है जिससे आपको पता चल जाएगा कि आप रिस्क में है कि नहीं तो जब आप डॉक्टर के साथ कॉन्वर्सेशन के लिए बैठते हैं तो ऑटोमेटिकली वो कॉन्वर्सेशन आएगा ही कि इसको सपोर्ट चाहिए हस्बैंड को इसके साथ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा फैमिली को इसको सपोर्ट देना पड़ेगा अगर माँ खाने बैठ रही है बच्चा रो रहा है तो तुरंत माँ को ना उठाए कोई और देखे नहीं। नहीं। बच्चा को ये सारे कॉन्वर्सेशंस डॉक्टर के पास ही से आती है क्योंकि अगर आप ई स्क्रीनिंग अभी क्योंकि नहीं होता है आप वापस डॉक्टर के पास अगर ये प्रॉब्लम लेके जाते हैं आपको यही सुझाव मिलता है अगर मेडिकेशन नहीं हो और अगर कॉन्वर्सेशन किया थेरेपी की बात करें ऐसे ही सपोर्टिव मेजर्स सजेस्ट करते तो हम मुझे लगता है कही न कहीं ना कहीं हेल्थ केयर सिस्टम में ये एक चेंज होना बहुत ज़रूरी है mm -hmm. क्योंकि बाहर के देशों में भी देखा जाए स्क्रीनिंग मैंडेट्री है mm -hmm. तो अगर वो चीज़ होता है मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये ये जो कॉमन uh, नोशन है कि इतने ज़माने से लोग प्रेग्नेंट हो रहे इतने ज़माने mm -hmm. से इतने बच्चे हो रहे तो अभी में क्यों इतना बातचीत हो रहा है वो नोशन कहीं शिफ्ट होगा mm -hmm. कि पहले भी होता था पहले रिपोर्ट नहीं होते थे पहले समझ एडजस्ट कर लेते थे आज भी एडजस्ट किया जा सकता है बट क्यों अगर हेल्प लेके वो लाइफस्टाइल स्टाइल आपको इम्प्रूव होता है, हम वो क्यों नहीं लें क्यों स्ट्रेसफुल जिंदगी जीए स्पेशली जब आपको पता है कि ऐसी महिलाएं हैं जो परेशान होकर सुसाइड तक कर लेती हैं। जी पोस्टमार्टम सुसाइड काफ़ी मतलब प्रेविलेंट uh, है मे बी उतना रिपोर्ट नहीं होगा या uh, कम सुनाई देता है बट काफ़ी नॉर्मल है ये कैलकाटा में भी कुछ टाइम पहले एक केस आया था जब किसी ने अपना बच्चा को फेंक दिया था और वो खुद कूद गए आ, ये बहुत सीवियर केस होते हैं पोस्टमार्टम साइकोसिस का उनकी लाइक उनका रिपोर्ट्स में था साइकोसिस एक और इंटरनेशनली नेम एक काफ़ी चर्चा में आई थी नीमा भक्ता की आ, जो साउथ कैलिफोर्निया की रहने वाली थी उन्होंने भी सुसाइड किया था और उनकी फैमिली भी अभी एक हैशटैग है नीमा ब्रेक द स्टिग्मा फॉर नीमा उस पर अभी वो लोग भी वर्क करे कि पोस्टमार्टम डिप्रेशन रियल है दिखता नहीं है तो सपोर्ट करे कहीं ना कहीं ये वो महिलाएं हैं जिन्हें वैसा सपोर्ट नहीं, नहीं पाया फिलहाल वो दर्शक जो आपको देख रहे हैं खासकर वो महिलाएं है ना जो अभी नई नई माँ बनी है या फिर आ, जो अभी आ, उनका प्रेगनेंसी का पीरियड चल रहा है आप उन्हें क्या और वो भी महिलाएं जो जिन्हें लग रहा है कि थोड़ा सा शायद उन, उनके जो सिम्टम्स है या फिर जो साइंस है वो शायद पीएमडी के हो सकते हैं उन्हें आप क्या मैसेज देंगी आ, सबसे पहला है औरतें का स्पेशली स्टे एट होम मॉम्स या होम मेकर्स की मुझे जो लगता है एक एक नोशन है कि सबके लिए पहले करेंगे हम लोग अपना बाद में देख लेंगे वो थाट को चेंज करें अपने आप के बारे अपना अपने आप को प्रायोरिटाइज करें अगर सब सबके लिए खाना बना रहे तो आप भी उस समय खा लीजिए वेट मत कीजिए कि एकदम एंड में खाएंगे सो पुट योर सेल्फ फर्स्ट अपने लिए सेल्फ केयर का टाइम डालिए एक बेसिक फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है स्पेशली थर्टी एंड अबव क्योंकि वहीं से ये सब फैक्टर्स है डिटोरिएटिंग मेंटल हेल्थ का कि थोड़ा वॉक करें धूप में थोड़ा बैठे क्योंकि विटामिन डी का भी काफ़ी लिंक है डिप्रेशन के साथ और अगर आपको दो वीक से ज़्यादा आप अपने इमोशनल सिम्टम्स को लेके कोप नहीं कर पा रहे प्लीज़ प्लीज़ मेडिकल हेल्प लीजिए साइकाइट्रिस्ट साइकोलॉजिस्ट या अपना जनरल प्रैक्टिशनर के पास जाके कहिए एंड हेल्प लीजिए हेल्प लेने के लिए शर्माना नहीं है बिल्कुल बिल्कुल अगर आपको लग रहा है कि आपकी स्ट्रगल है आप किसी तरीके की मेंटल इल्नेस से स्ट्रगल कर करें तो हेल्प लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है श्रेया आपकी जो जर्नी है वो बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग है मुझे लगता है कि जो जितनी फीमेल्स मैं खुद जबकि मेरी वो सिचुएशन रही भी नहीं है पर मैं खुद इतनी ज़्यादा इंस्पायर होती हूँ आपकी जर्नी को सुनकर कि इतनी उतार चढ़ाव के बाद भी एक तो बाउंस बैक करना और इस तरीके से कि लोगों को हेल्प दिया जा सके आप हमारे कार्यक्रम में आए श्रेया आपने अपनी जर्नी शेयर की उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आम, इसी के साथ हमें भी दीजिए इजाज़त हम आपसे फिर मिलेंगे नई दिशाएं की अगली कड़ी में तब तक के जो हार नमस्कार